हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीषा और आप सभी का स्वागत है चलो लर्न करते हैं मैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो रिलेटेड है मैथ की वर्कशीट से। इससे पहले मैंने हिंदी की वर्कशीट पर भी वीडियो बनाया हुआ है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा उस वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चाहे मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे भी लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो फिर देखिए, वर्कशीट से जो है बहुत फ़ायदे होते हैं। जो साल भर का जो सिलेबस होता है ना, वो हम कुछ ही मिनट में उन्हें कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं, ओके। तो बीच बीच में हमें वर्कशीट जो है वो देते रहना चाहिए, खासकर एग्ज़ाम के समय में तो हमें और भी वर्कशीट पे ध्यान देना है। बच्चों को वर्कशीट बना करके देना है एग्ज़ाम के समय। ये देखिए, मैंने 1-2 काउंटिंग की है, मैंने मैचिंग से शुरुआत की है मैथ के वर्कशीट की, क्योंकि मैचिंग जो बच्चों को बहुत पसंद आता है, यही मैंने देखा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मैच करना है। ये मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं जो कि कलरफुल हैं, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें वर्कशीट कलरफुल ही बनाना है, जिससे बच्चों को मज़ा आए, उन्हें सीखने में हेल्प मिले, ओके। तो हमें कलरफुल ही रखना है अपने वर्कशीट्स को। तो यहाँ मैंने बॉक्सेस में जो है कलर सर्कल बनाए हुए हैं कलरफुल, और उन्हीं से इन्हें मैच करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें एग्ज़ाम के समय ही दें, आप उन्हें हमेशा देते रहे इस तरह से बना करके। देखिए, 1 सर्कल है, यहाँ पर 1 है नंबर, तो इस तरह से बच्चा मैच करेगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो फिर वो 2 सर्कल हम बोल बताएंगे कि बेटा 2 सर्कल किधर है देखो, तो 1-2 वो काउंट करके 2 को मैच करेगा। इस तरह से वो मैचिंग करते जाएगा। सिर्फ इसी तरह से 4 है तो 1-2-3-4 सर्कल मैंने यहाँ बना दिया। इसी तरह आप कलरफुल बॉक्सेस भी बना करके उसे काउंटिंग करने के लिए दें और मैच करने के लिए दें, ओके। इस तरह से आप मैचिंग करने के लिए दें बच्चों को। यहाँ मेरा 3 छूटा हुआ है, अच्छा मैं इसे कर लेती हूँ। तो इस तरह से बच्चों को हमें देना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, सेकेंड वर्कशीट है काउंट एंड राइट, इसमें मैंने बॉक्सेस में सर्कल बना दिए हैं, बच्चा इसे काउंट करेगा और लिखेगा भी, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्सेस में हम सर्कल, चाहे बॉल, चाहे स्टार, आप कुछ भी शेप्स बना दें, मैंने तो यहाँ बस बॉल ही बनाया है। तो इससे काउंट करेगा 1-2-3 और फिर बच्चा इस तरह से लिखेगा 3, 1-2-3-4-5 लिखेगा 5। इसी तरह यहाँ पर है 1-2-3-4-5-6-7, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से मज़े लेकर के सीखेंगे और काउंट करेंगे और फिर लिखेंगे भी उसे। तो ये दूसरा वर्कशीट हो गया है। थर्ड नंबर पे मैंने रखा है सेप्स मैचिंग। इसमें हम बहुत सारे सेप्स दे देंगे बच्चों को, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, इस तरह से सेप्स दे करके उन्हें कहेंगे मैच करने के लिए। तो ये तो नर्सरी LKG दोनों क्लासेस में दिए जाते हैं, और मैं जो भी यहाँ बता रही हूँ वो नर्सरी और LKG से रिलेटेड ही बता रही हूँ, उसी का सिलेबस है ये। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्क्वायर, ट्रायंगल, स्टार सब दे दिए हैं, बच्चा इसे ही मैच करेगा मिला करके। वो इस तरह से ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल को मिलाएगा, ये सर्कल है और ये सर्कल मैंने यहाँ बनाया है पूरा सर्कल, तो सर्कल सर्कल मैच करेगा बच्चा। इसी तरह स्क्वायर और स्टार भी मैच हो जाएंगे। इससे बच्चों को सेप्स के बारे में पता चलेगा कि कौन सा सेप्स क्या कहलाता है। चौथा वर्कशीट है यहाँ पर फील करने के लिए। बच्चे काउंटिंग तो जान ही जाते हैं, तो इस तरह से हम उन्हें फील करने के लिए देंगे, ओके। तो इस तरह से हम दे देंगे और बच्चा फील करेगा 1-2-3-4-5-6-7-8-9, और ये 10 तो दे दिया है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, बीच बीच में अगर ये तो रहा कि डायरेक्ट मैंने 10 दे दिया, अब यहाँ मैंने क्या किया है, ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या किया कि 15 दे दिया है बीच में। तो इस तरह से बीच बीच में हम दे भी देंगे, जिससे बच्चों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, इस तरह से फील करवा देंगे बच्चे से। अब नेक्स्ट है वर्कशीट काउंट एंड सर्कल। इसमें काउंट करना है और सर्कल करना है। यहाँ पर मैंने देखिए बहुत सारे फ़ोटोज़ बनाए हुए हैं जिन्हें बच्चा काउंट करेगा और फिर उसे सर्कल करेगा। अब जैसे यहाँ पर स्टार मैंने बनाया है, तो 1-2-3-3 स्टार है, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर है तो इसे सर्कल कर देगा। इसी तरह बॉल है 1-2-3-4, तो 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ सर्कल करेगा। इसी तरह ट्राइंगल है, 6 ट्राइंगल है तो फिर ये रहा 6, तो 6 यहाँ पर सर्कल करेगा। इसी तरह ये मैंने लीव्स बनाए हैं 1-2-3-4-5, तो यहाँ पर 5 सर्कल हो जाएगा।
यहाँ स्क्वायर एक ही है तो वन को सर्कल कर देगा बच्चा, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे टू रेक्टेंगल है तो टू सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हाँ मैंने कुछ नहीं फोटोज़ दिया यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे पूछेगा मम्मी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो हाँ कुछ भी नहीं बेटा, बोलो अब क्या सर्कल करोगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा सर्कल, तो ज़ीरो, तो ज़ीरो बच्चे को सर्कल कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें बच्चे को ज़ीरो भी बताना है कि ज़ीरो मतलब तो कुछ भी नहीं होता है बेटा, ज़ीरो को सर्कल कर दो। तो इस तरह से ये काउंट एंड सर्कल पूरा हो जाएगा। अब ये है, इसमें हम बच्चे को ये ढूंढने के लिए देंगे कि बेटा जैसे हम, मैंने छोटा सा ट्री बना दिया, उसमें बहुत सारे नंबर लिख दिए और क्वेश्चन लिख दिया वेयर इज टू सर्कल इट, ठीक है, वेयर इज टू सर्कल इट, टू कहाँ है से सर्कल करो। और तो बच्चे को क्या करना है, बस इसमें टू ढूंढना है और टू को सर्कल करेगा, बस इसे इतना ही करना है। यहाँ पर टू लिखा तो यहाँ सर्कल हो जाएगा, इधर सर्कल बच्चा कर देगा, इधर कर देगा, मतलब उसे ढूंढना है टू किधर है। अब ये फूल है, मैंने फूल बनाया है और इसके हर एक जो पंखुड़ियाँ हैं उनमें मैंने नंबर्स को लिख दिया है। तो इसमें वेयर इज थ्री सर्कल इट मैंने दिया है, तो इसमें थ्री ढूंढेगा कि थ्री किधर है, तो उसे सर्कल करो, तो बच्चा उसे ढूंढ करके सर्कल करेगा। और बच्चे को इसमें बहुत सारे नॉलेज भी हो जाएंगे, कलर्स की नॉलेज हो जाएंगे, फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स की ड्राइंग, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो बच्चों को सीखने को मिल जाते हैं एक ही वर्कशीट पर। अब इसमें वेयर इज सिक्स, इसमें मैंने लीफ बनाया है और उसमें मैंने तीन चार लीफ पर मैंने सिक्स लिख दिया है। अब इसे यहाँ मैंने सर्कल नहीं देना है हमें, हमें टिक लगाने को देना है। अगर लीफ आप बड़ा बनाएंगे तब आप सर्कल करने दे सकते हैं, मैंने छोटा सा बनाया है, छोटा छोटा लीफ बनाया है तो वहाँ सर्कल नहीं हो सकता है, तो मैंने बोल दिया कि चलो इसको टिक कर दो। तो बस जिस जिस लीफ पर देखेगा वो कि सिक्स लिखा हुआ है वहाँ उसे वो टिक कर देगा। तो इस तरह से टिक हो जाएगा, यहाँ इस लीफ पे सिक्स है, इस पत्ते पर सिक्स है, और यहाँ तो फाइव लिखा है, यहाँ फोर है, यहाँ सिक्स है, तो यहाँ भी टिक मार देगा वो। तो इस तरह से हम बच्चे को तरह तरह से मतलब सिखाने की कोशिश करेंगे ड्राइंग के ज़रिए, कलर्स के ज़रिए, तो अच्छे से वो समझेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब बच्चा एलकेजी में जब पहुँच जाता है ना, तो उसे स्पेलिंग भी मिल जाती है लिखने के लिए वन टू की, तो यहाँ पर हम स्पेलिंग भी उसे दे देंगे लिखने के लिए। ओके, मैंने जैसे काउंटिंग लिख दिया वन टू थ्री फोर, जितना बच्चे जानते हैं उन्हें हम उतना ही देंगे। जैसे वन की स्पेलिंग हो गई ओ एन ई वन, ये वन की स्पेलिंग हो गई, थोड़ा सा कट हो रहा है मेरा वीडियो। ये टू की स्पेलिंग हो गई टी डब्ल्यू ओ टू, इसी तरह थ्री की स्पेलिंग टी एच आर ई ई, बच्चा लिखेगा, बच्चा नहीं भी जानता तो आप उसे बता सकते हैं, याद हो जाएगा। फोर की स्पेलिंग हो गई एफ ओ यू आर, फाइव की एफ आई वी ई, सिक्स की एस आई एच सिक्स, और एट की ई आई जी एच टी। तो इस तरह से हम बच्चे को लिखने के लिए दे देंगे स्पेलिंग। और यहाँ है स्पीक एंड मैच, ठीक है, इसे क्या करना है, बच्चे को स्पीक कर बोलना है, लाउडली बोलना है ओ एनी वन, हम लोग बुलवाएंगे बच्चे को कि जोर से बोलो, बोल बोल करके इसे मैच करो, तो बच्चा मैच करेगा ओ एनी वन, तो वन से इसे मैच करेगा। इसी तरह ए फाइव ई ई फाइव, तो फाइव को ढूंढेगा, फिर फाइव से मैच करेगा। इसी तरह हम मैच करवाएंगे, बोलेंगे लाउडली बोलो और इसे मैच करो। ये था वर्कशीट। ये है नेक्स्ट वर्कशीट, राइट आफ्टर, इसमें आफ्टर लिखना है और यहाँ मैंने बिटवीन भी दे दिया है, मैंने लिखा नहीं है राइट बिटवीन पर मैंने बिटवीन भी दिया हुआ है। देखिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है आफ्टर पे और बिफ़ोर पे, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, कैसे बच्चों को आफ्टर सिखाएं, कैसे बिफ़ोर सिखाएं, आसानी से बच्चे हो सकता है सीखे भी, तो मैं दोनों की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप चाहेंगे देखना तो देख लीजिएगा। तो जैसे देखिए सेवन है, तो सेवन के बाद बच्चे को लिखना है, तो उसे हम बोलेंगे कि आफ्टर लिखने के लिए, ऐसे तो हम उन्हें बोलेंगे कि अगर नहीं आता है तो सेवन के एक अंक बाद तक तुम पढ़ो, काउंटिंग करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो सेवन के बाद क्या आया बच्चे से पूछेंगे तो बोलेगा एट। तो इस तरह से उन्हें आफ्टर भी लिखवा लेंगे, ठीक है, उन्हें समझाएंगे इस तरह से। बच्चे को आफ्टर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो खुद से लिखेगा, ठीक है। तो ये भी सिलेबस में था इसलिए मैंने दे दिया। अब इसी तरह बिटवीन भी देंगे तो एक्चुअली उसमें आफ्टर ही रहता है, नाइन टेन एलेवन हो जाएगा,
ठीक है, 5, 6, 7 हो जाएगा। तो जो आफ्टर में नंबर्स आते हैं, 5 के आफ्टर में 6 आता है, बेसिकली वही रहता है। बिटवीन में भी बस 2 नंबर रहते हैं, यही अंतर रहता है। तो इस तरह से हम बच्चों को आफ्टर बिटवीन देंगे। अब नेक्स्ट है बैकवर्ड काउंटिंग 20 to 1 उल्टी गिनती हमें बच्चों को लिखवानी है। ये एलकेजी के क्लास में है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर बच्चे को 20 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग ठीक से नहीं आती है तो हम उन्हें डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं देंगे, बल्कि फील करवा देंगे। जैसे मैंने दिया है 20, 20 लिख दिया है, फिर मैंने लाइन खींच दी है फील करने के लिए। तो इस तरह से हम बच्चों को फील करवाएंगे, जिससे उन्हें धीरे धीरे अच्छे से याद हो जाए 20 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं। तीसरे से देखिए मैंने फील करने को दे दिया है। आप देख लीजिएगा कि एलकेजी में बैकवर्ड काउंटिंग आपके बच्चे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कहीं कहीं ये दिया रहता है 20 to 1 ही रहता है बैकवर्ड काउंटिंग में। ये है नेक्स्ट वर्कशीट, 10 नंबर फील करना है इसमें। इसमें मैंने क्या है कि स्पेलिंग लिख दिया है और बच्चे को फील करना है O-N-E-1, T-W-O-2, T-H। बच्चे क्या होता है ना कि स्पेलिंग लिखने की जगह ना यही सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि बस सब लिखा हुआ है, हमें एक ही लेटर तो फील करना है या दो ही लेटर तो फील करना है। तो इस तरह से बच्चे है ना आराम से इसे कर लेते हैं, उन्हें कोई लगता नहीं कि अरे ये तो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा लिखना है। तो इस तरह से हम फील करने के लिए, मैचिंग करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए दे सकते हैं बजाय लिखने के। लेकिन मैंने स्पेलिंग लिखने का भी इसमें ऐड किया है वर्कशीट में। तो बस फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं तक था। ये थी मैथ की वर्कशीट, उम्मीद है बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आप भी अच्छे से समझा पाएंगे और बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, मज़े लेकर के पढ़ेगा। ओके, और वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और फिर रेड कलर में जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन भी आप दबा सकते हैं जब बेल बटन प्रेस करिएगा तो। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।